पाकिस्तान के दौरे पर गए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इसराइल को बड़ी धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने कोई बड़ा हमला किया तो ईरान उसे तबाह कर देगा। रईसी ने ये बात लाहौर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। दरअसल 13 अप्रैल को ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। हालांकि इसराइल ने सभी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। इसका बदला लेने के लिए इसराइल ने पिछले हफ्ते ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी। इसराइल ने ईरान के इस्फहान शहर के नजदीक एक मिलिट्री ठिकाने पर हमला किया था। हालांकि ईरान ने दावा किया था कि उसने इजरायली हमले को नाकाम कर दिया और उसके ड्रोन मार गिराए थे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसराइल के हमले में ईरानी रडार साइट पूरी तरह से तबाह हो गई थी। आशंका जताई जा रही है कि इसराइल एक बार फिर से ईरानी ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसी वजह से ईरानी राष्ट्रपति ने धमकी दी है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अगर हमला होता है तो जायोनी शासन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस्लामी गणतंत्र ईरान फिलिस्तीनी प्रतिरोध का समर्थन जारी रखेगा। अगर ईरान पर इसराइल हमला करता है तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। दरअसल रईसी सोमवार से पाकिस्तान के 3 दिवसीय दौरे पर थे और अब वो तेहरान लौट चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ बिगड़े संबंधों को सुधारने की कोशिश की है। पड़ोसी देशों ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए भी कई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। 13 अप्रैल को इसराइल पर ईरान ने मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया था। ईरान ने कहा था कि ये 1 अप्रैल को दमिश्क में दूतावास परिसर पर इसराइल के हमले का प्रतिशोध था, जिसमें कई राजनयिक मारे गए थे। इस हमले का बदला लेने के लिए ईरान पर एयर स्ट्राइक की गई। शुक्रवार को इस्फहान शहर में विस्फोट की आवाजें सुनाई दी थी, जिसके बारे में सूत्रों ने कहा था कि ये एक इजरायली हमला था। लेकिन तेहरान ने इस घटना को ज्यादा महत्व नहीं दिया। कहा कि उसकी जवाबी कार्रवाई की कोई योजना नहीं है। लेकिन ईरानी राष्ट्रपति के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं रईसी का पाकिस्तान दौरा तब हुआ है जब ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ता दिखा था। अमेरिका ने ईरान के ऊपर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की बात कह डाली है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। पाक पीएम शहबाज शरीफ के साथ बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर $10 अरब पहुंचाने पर सहमति बनी थी। इसके अलावा दोनों ने अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से जुड़े 8 MOU भी साइन किए थे। ऐसे में ईरान और पाकिस्तान के बीच हुई इस मुलाकात के बाद क्या इसके सियासी मायने निकलेंगे, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।